तरफ आपका स्पेशल 26 है और एक तरफ आपका बुलंदी में 38 है। स्पेशल 26 वर्सेस एनडीए 38 थोड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए ये बाजी जीतना, क्योंकि उनके नियत और करनी में बहुत बड़ा गैप है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर की नियत में इतना ज़्यादा खोट है कि वो अपने कुर्सी को सेंधने के लिए जैसे टपक के वो महागठबंधन की सरकार में चले गए थे, मुझे डर है कि कहीं वो टपक के फिर से एनडीए का दरवाज़ा ना खटखटाए तो इंडिया शब्द होने से ही वो इंडियन नहीं हो जाता। तो भाई राहुल गांधी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी नहीं है, तो है कौन? अगर आप ममता बनर्जी को देंगे तो ऑलरेडी उन्होंने बंगाल का हालत तो पाकिस्तान करके रखा ही है, तो क्या चाहते हैं कि पूरा जो देश है वो पाकिस्तान बन जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। कल आप लोगों ने देखा कि पशुपति पारस से किस तरीके से चिराग पासवान ने पांव छूने के बाद गले लगाया। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक कर रहे थे, वो एकता की नाम बदल के इंडिया रख दिए हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा मौजूद है और हम इनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पर कि बिहार में अभी जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स का एक और पन्ना अब पलट चुका है। इधर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक हो चुके हैं, दोनों एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। उधर नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक की नाम बदल चुके हैं और पूरी तरीके से रणनीति कर रहे हैं कि भाजपा को किसी भी तरह भारत मुक्त कर दे बीजेपी से। इस पर आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक का नाम इंडिया रख दिया है? अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया को हम किसी भी तरह हराएंगे नहीं, और आप लोग इधर एनडीए की तैयारी जोरों शोरों से कर रही हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, एक समय ना ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। जिस वक्त क्या कहते अंग्रेज जब आए थे, उस वक्त हम लोग सब एकजुट होके 200 साल तक हम लोग उनके अराजकता, कूटनीति, भ्रष्टाचार सारा चीज़ हमने अंग्रेज़ों का भी फेस किया था, और उनकी भी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया शब्द होने से ही वो इंडियन नहीं हो जाता है। इंडिया का फुल फॉर्म जो डेरेक ओबेरॉन साहब ने रखा है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यूपीए नाम को आपने इंडिया किया तो कहीं ना कहीं यूपीए ख़त्म हो गया। और जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है और अचानक से वहाँ से नीतीश जी लालू जी का उठ के आ जाना, और बेंगलोर में उनका जाते साथ ही ऑनरेबल सीएम साहब के जो पोस्टर लगे हुए थे उनके अगेंस्ट में, तो ये सब देख के तो इतना ही पता चलता है कि पीएम के उम्मीदवार तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई हम लोग पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। तो भाई राहुल गांधी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी नहीं है, तो है कौन? अगर आप ममता बनर्जी को देंगे तो ऑलरेडी उन्होंने बंगाल का हालत तो पाकिस्तान करके रखा ही है, तो क्या चाहते हैं कि पूरा जो देश है वो पाकिस्तान बन जाए? तो आप इसको देखिए कि लोगों की जब हम बात करें तो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को तो हराना शायद एक पल पर हो सकता था, लेकिन इंडिया को हम नहीं हारने देंगे। तो आप लोग क्या रणनीति करेंगे कि आप लोग इंडिया को हरा सके? नहीं है, इंडिया नाम रखने से ही वो भारतीय नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, सोच से भारतीय होना चाहिए। एनडीए में जो 38 के 38 दल है वो दिल से भारतीय है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है, यहाँ पे भारत वर्सेस इंडिया है। और भारत नाम ऐसे ही नहीं पड़ता, भारत राजा के नाम से पड़ता, हम सब जानते हैं। पिछली वीडियो में आपने कहा था कि दल टूटे तो जुट सकता है लेकिन दिल टूटे तो नहीं जुट सकता। आपकी इस बातों पर कहीं ना कहीं उल्टा असर दिखा कि कल एनडीए के बैठक में चिराग पासवान ने पशुपति पारस के पांव छुए और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, तो अब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि दल टूटते तो जुड़ते नहीं है, दिल टूटते हैं तो आपका अगर आपका दल टूटे तो कभी ना कभी जुड़ जाते हैं, लेकिन दिल अगर टूटता तो जुड़ता नहीं है। और कल चिराग जी ने ये साबित कर दिया कि दिल टूटे को भी वो जोड़ सकते हैं। और अगर यही मैंने आपके जो जेस्चर उन्होंने कल दिखाया, यही अगर पार्टी टूटने से पहले वो दिखाते तो मुझे नहीं लगता है कि आज एलजेपी आर या आरएलजेपी बनता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूथ वो सारा काम कर सकता है जो एक हमारे पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स या फिर हमारे बुजुर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट तक चीज़ों को वो मान सकते, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे ईगो की बात आती है तो भाई ईगो में अगर झुकना होगा तो किसी
यूथ को ही झुकना होगा, और कल जो झुक के जो उन्होंने कल पैर छुआ और प्रणाम किया, इससे बहुत लोगों की मुंह बंद हो गई। जो चिराग वर्सेस पशुपति कुमार पारस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर थे, वो ख़त्म होके कल चिराग विद पशुपति कुमार पारस, भगवान करे ये हो जाए, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ही हमेशा कहते रहते थे कि भाई दिल अगर ये टूटता है तो जुड़ता नहीं, और कल ही सर ने फिर खुद ही कहा कि नहीं भाई ये परिवार की बात है, और जब परिवार की बात आती है तो दिल तो जुड़ना ही पड़ेगा, और भाई उन्होंने उनको अपने हाथों से गोदी में खिला के बड़ा किए, तो एंड ऑफ द डे कभी ना कभी चीज़ें भावुक हो ही जाना चाहिए और हो ही गए, और आखिर में वो मैंने हमेशा कहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर सर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके जैसे लीडरशिप के अंडर में सीखने को मुझे मिल रहा है। शायद इसमें चिराग पासवान को भी ये मौका मिलता, वो तो घर के चिलागे, जहाँ पे एक 45 साल तक का एक्सपीरियंस, और हमारे क्या कहते हैं आपकी चिराग जी, उनको चाहिए था उनके साथ मिल के राजनीति सीखना, जबकि वो किसी और के बहकावे में आके, दोस्तों के बहकावे में आके, लोग तो कहते कि सौरभ पांडे नामक कोई एक प्राणी है जिसके कहने से उनकी पार्टी टूटी, तो मैंने बोलूँगी इस टाइप के प्राणियों को साइट करके आपको परिवार वाला रिश्ता अगर आप निभा लेंगे तो राजनीतिक मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ये एज अ वुमन तो मैं यही चाहूँगी, और मैं हमेशा दिल से चाहती थी कि घर पे कोई चीज़ें टूटने से हम घर छोड़ के नहीं भागते, उस चीज़ को मरम्मत करते हैं, और कल चिराग जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर की जो एक मेस्मराइजिंग मोमेंट, तो जो देखें देख के यही लगा कि भाई एंड ऑफ द डे अपने तो अपने ही होते हैं। लेकिन इतना गुस्सा क्योंकि एनडीए के दो दिन पहले की वीडियो आई थी जिसमें पशुपति पारस ने ये कहा था कि हाजीपुर से जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है चिराग पासवान की, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के हाजीपुर में क्या है, वो क्यों चुनाव लड़ेंगे, और सबसे पहली बात उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिता को, चिराग पासवान जी के पिता को चिराग पासवान पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को हाजीपुर से टिकट दिया था। तो इतना गुस्सा जताने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एनडीए की बैठक में पशुपति पारस का दिल एकदम मोम की तरह पिघल गया और चिराग पासवान भी जाके उन्हें पांव छू के गले लगा दिए? देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करके बोलूं, कुछ दिन पहले आपके चिराग पासवान जी ने भी पीसी करके बोला है किसी भी कीमत पर हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी अपने सोशल मीडिया पे, अगर उनके पेज पे जाके आप देखेंगे, पूरे पेज में एक ही पोस्टर है कि हम लोग हाजीपुर से लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ये एनडीए में शामिल होने से एक दिन पहले की बात है। आप भाई झुकने से अगर चीज़ें सही होती हैं तो मुझे लगता है कि चिराग जी के साथ जो भी एनडीए का फैसला हुआ या जो भी शर्तें हुए, उनमें से ये भी एक शर्त है कि भाई झुक के आप अगर अपने बड़ों को सम्मान करेंगे तो बड़े बहुत सारी चीज़ें आपके माफ़ कर देंगे, और आपको जम्मू से ही लड़ना पड़ेगा, और वो तो ऑलरेडी हाजीपुर के आपके हैं। कल एनडीए की बैठक में भी चिराग पासवान ने ऐलान किया कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। ये उन्होंने एनडीए के बैठक से पहले ऐलान किया, एनडीए के बैठक के बाद नहीं, और अगर अभी भी वो जिद पकड़ के बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मोदी जी जिस प्यार से उनको गले मिलाएं, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे, औरंगजेब वाला एग्जाम्पल वो बनना नहीं चाहेंगे, जो गले मिल के गले काटने का काम वो नहीं करेंगे, चरण स्पर्श करके नीचे से आपके ज़मीन छीनने का काम वो नहीं करेंगे। मुझे इतना उन पर पूरा उम्मीद है, क्योंकि वो यूथ है और युवा नेता है, तो आई एम श्योर कि इतने अच्छे संस्कार तो उनके पिताजी ने उनको लग रहा है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को जिस तरीके से मोदी गले लगा रहे हैं कि आओ अपने गदा से वार करो और लोकसभा और विधानसभा में हमें जीतने में मदद करो, तो आपको लग रहा है कि उनके शर्तों पर मोदी नहीं मानेंगे या फिर उन्हें हाजीपुर से टिकट नहीं देंगे, जम्मू से ही लड़ना पड़ेगा? मुझे जितना नॉलेज है या मुझे जितना पता है या मैंने जितना अभी तक सीखा है, मुझे नहीं लगता है वहाँ पे 38 के 38 दलों में किसी में भी वो हिम्मत है या किसी में भी वो जुर्रत है या किसी में भी वो ऑडेसिटी है या फिर कोई क्वेश्चन करेंगे ऑनरेबल पीएम को कि मुझे ये चाहिए तो मैं आऊँगा। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए ने मेरी शर्तों को मान ली है, इसलिए मैं एनडीए में शामिल हुआ। मैं वही बोल रही हूँ, उन्होंने अपनी शर्तें बताई, उधर से क्या शर्तें वो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को तो कोई शर्त ही नहीं है, हम लोग तो निस्वार्थ हो के अलायंस में हैं। कहीं ना कहीं मैम मोदी ने भी तो उनके शर्तों को माना होगा, एनडीए ने शर्तों को माना होगा, तभी तो वो शामिल हुए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर एनडीए कोई शर्तों को मानते तो अभी तक बीजेपी के जितने भी स्पीकर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं या बीजेपी के लोग हैं, अभी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम 6-6 लोकसभा सीट उनको दे रहे, एक राज्यसभा सीट उनको दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे 38 दलों में एक दल चिराग
पासवान भी है, क्या पता एनडीए ने उनको कहा है कि भाई जितने छोटे दल है उनका विलय हो जाएगा एनडीए में, तब जाके उनको 5 या 6 सीट मिलेगा। वेल एंड गुड, आप एनडीए के पार्ट बन के रहो, जैसे आपके आरसीपी सिंह ने आपका ज्वाइन किया, ये रहो। और रही बात हमारी, हम लोग ऑलरेडी उस अलायंस के आज से नहीं, कब से साथ है, 2014 से हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ अभी ये साल जो पार्टी आ रहे हैं और इस पार्टी का नेतृत्व तो अभी हाजीपुर को लेके नहीं हुआ है, अभी एक ही लक्ष्य पे काम होगा, 2024 में तीसरी बार ऑनरेबल पीएम को तीसरी बार जिताने की काम होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं ये विलय कर लिए हैं कि हम चिराग पासवान को हाजीपुर से लड़ने देंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। विलय तो देखिए सबसे बड़ी बात, प्यार से मांगोगे तो सब कुछ दे देंगे, लेकिन अगर हुज्जतबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। और मुझे जितना पता है कि हाजीपुर के लिए अभी शायद चिराग पासवान जी उतने ज़्यादा कट्टर नहीं है या उतने ज़्यादा जिद पे अकड़े हुए नहीं है, क्योंकि उनका पहला मकसद था कि भाई उनका एक स्टैंड मिले, उनको एक जगह मिले। इतना दिन उनको जगह नहीं मिल रहा था, बेचारे परेशान थे कि उनको एक जगह मिल जाए, अभी उनको जमीन मिल गई, अभी उस जमीन पे खड़े होकर एनडीए के लिए काम करना चाहिए, ना कि एनडीए के घटक दल जो इतने सालों से उनके साथ है उनके साथ पंगा लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ये चेतावनी दी गई बोली, या फिर शायद उनको ये बताया गया कि कोई भी मिसबिहेव या कोई भी ऐसी बातें आप अपने चाचा जी के खिलाफ या फिर हमारे पार्टी के बाकी घटक दलों के खिलाफ आप नहीं कर सकते हो। और इसीलिए एनडीए के मीटिंग के बाद मुझे अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ उनके तरफ से नहीं आया हाजीपुर के जिद को लेकर। अगर वो फिर जिद पे उतरेंगे तो फिर इसका मतलब यही होगा कि भाई वो एनडीए के पार्ट होते हुए भी वो अपना हटकारिता नहीं छोड़ रहे। मैम, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ बातें छुपा के भी रखी जाती है, बहुत सी बातें ओपन नहीं की जाती है, तो अगर ऐसा हो जाए कि आने वाले समय में हाजीपुर से चिराग पासवान लड़े तो क्या आपकी पार्टी एनडीए से अलग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है अलग होने का। दूसरी बात है कि हमारे क्या कहते हैं चिराग पासवान को कौन बोलेगा नहीं बोलेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जब लड़ेंगे तो चिराग पासवान ज़रूर साथ देंगे, इतना हिदायत उनको ज़रूर मिला है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि चाचा जी का साथ आपको देना पड़ेगा, चाचा जी जब हाजीपुर से लड़ेंगे आपको साथ देना पड़ेगा, और बाकी जितने भी घटक दल है बिहार के वो जहाँ जहाँ से लड़ेंगे एज अ अलायंस ऑफ एनडीए हमें उनका साथ देना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है। क्या LJPR और RLJP दोनों पार्टियां एक हो गई? देखिए मुझे इस बारे में फिलहाल तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर पैर छूने से और गले मिलने से कुछ ऐसी अच्छी न्यूज़ आती है तो अच्छी बात। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। भगवान करे, देखिए मैं तो एज अ वुमन मैं चाहूँगी कि घर की बातें घर में सुलझ जाए, लेकिन वही पारिवारिक बातें अलग होती है, राजनीतिक बातें अलग होती हैं। पहले था कि दोनों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन अब जब आप एनडीए में आ गए हो तो विचारधाराएं भी एक हो गई है, तो अब जब विचारधाराएं एक हो गई है तो एक तो ऑलरेडी झुक गए, दूसरे ने गले मिला लिया, तो बाकी का आई एम श्योर कि हमारे गृह के मंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी और ऑनरेबल PM के नेतृत्व में सारी प्रॉब्लम का समाधान धीरे धीरे सबको मिल जाए। जितने भी लोग अभी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ये रणनीति कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए की जा रही है। तो पिछली बार मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि नीतीश कुमार को मात देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकल के आए हैं, तो उन्हें मात देना चिराग पासवान के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को कैसे देख रही हैं आप, क्योंकि आप सभी पार्टियां एक दल के साथ काम कर रहे हैं। देखिए वन वर्सेस ऑल सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मोदी जी के लेवल पे। चिराग पासवान जी में अभी बहुत कुछ सीखने बाकी है। मैं तो बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा फायदा उनके करियर को हुआ है अगर वो ढंग से अपने हट छोड़कर अपना ईगो को छोड़कर अगर एक अच्छे लीडर की तरह बिहार में रह के वो काम करेंगे तो बहुत बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर हटकारिता करेंगे तो फिर वो खो देंगे और कहीं ना कहीं फिर उनका पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा अगर वो किसी और की बातें सुन के फिर कोई गलत डिसीजन लेंगे। मैं तो बोलूँगी इस बार उनको भगवान ने मौका दिया है उनका करियर को संवारने का एनडीए के अंदर में। अब यहाँ पे अगर हट करके वो CM की दावेदारी करेंगे, हाजीपुर की दावेदारी करेंगे, राज्यसभा की दावेदारी करेंगे, सीटों की दावेदारी करेंगे, तो फिर वो लूज़ कर जाएंगे। बिना दावेदारी किए जिस जगह के वो मंत्री हैं, जिस जगह की वो सांसद है, उस जगह से जाके लड़े, अपने आप को साबित करे। बाकी मोदी जी ने जब गले मिलाया है तो मैं आई एम श्योर कि चिराग पासवान जी उनका गला काटने का काम तो नहीं करेंगे।
उनका गला काटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल हो गए और ये दावपेच बहुत पहले से फंस रही थी एनडीए में शामिल होने को लेकर, लेकिन अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और इधर नीतीश कुमार भी रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोगों को मात देने के लिए, तो आपकी एनडीए की जो गठबंधन है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है नीतीश कुमार को मात देने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं लग रहा है। एक तरफ आपका स्पेशल 26 है और एक तरफ आपका बुलंदी में 38 है। स्पेशल 26 वर्सेस एनडीए 38, थोड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए ये बाजी जीतना, क्योंकि उनके नियत और करनी में बहुत बड़ा गैप है। एक कहावत है ना कि जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर की नियत में इतना ज़्यादा खोट है कि वो अपने कुर्सी को सेंधने के लिए जैसे टपक के वो महागठबंधन की सरकार में चले गए थे, मुझे डर है कि कहीं वो टपक के फिर से एनडीए का दरवाज़ा ना खटखटाए। और एनडीए उनको वेटिंग लिस्ट पर ज़रूर रखेगी, मैं ये भी बता दूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हमारे ऑनरेबल सीएम सर अगर नहीं अपना हट को छोड़ेंगे तो इस बार उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म होगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। जैसे उन्हीं के पार्टी के नेता हमेशा बोलते रहते हैं, उनको फिर हरिद्वार में आनंद आश्रम में जाके विराम लेना पड़ेगा। जैसा कि वेटिंग की आप बात कहा आपने, तो इतना सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। इधर भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, तो अभी भी वेटिंग लिस्ट लगने का क्या मतलब है? मतलब दोनों लगने का मतलब ये है कि इतना पता है कि नीतीश कुमार जी का एक फितरत है, वो कुछ भी हो जाए वो कुर्सी उनको बड़ा प्यारा है, उनको अपने कुर्सी अगर सीएमशिप के लिए वो फिर से और एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9वीं बार सीएम ना वो महागठबंधन में रह के बन पाएंगे और एनडीए में तो वापसी करेंगे भी तो भी वो कोई भी मंत्री पद तो छोड़िए सीएम की दावेदारी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट ट्राई के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो इतने जल्दी आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन साथ में ये भी कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, उनका जो एक गुड विल है, एक जो काम करने का जो एक कला है या फिर एक जो नाम था, वो धीरे धीरे वो जिस ढंग के हरकतें वो कर रहे हैं उसमें उन्होंने वो सारी क्रेडिबिलिटी खो दिया। स्पेशली अभी जो 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज उन्होंने करवाया मार मार के, पूरा ऐसा लगा कि अंग्रेज़ों के टाइम का आंदोलन हो रहा है, उसके बाद तो थोड़ी बहुत जो बची कुछ इज्जत हमारे सीएम ऑफ बिहार के लिए था वो टोटली खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, अगर मोदी जी सच में लोकप्रिय नेता है तो 38 पार्टियों को एकजुट होके चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब कुरुक्षेत्र जब होता है तो कृष्ण के साथ उन सारे लोगों ने साथ दिया जो धर्म के साथ है, तो यहाँ पे कृष्ण का रोल प्ले कर रहे हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं पीएम, और बाकी जितने भी दल हैं वो धर्म के साथ है, तो इसीलिए 38 दलों को मैं धर्म मानती हूँ और कृष्ण वो, और बाकी नारायणी सेना जो है वो बैंगलोर जाए क्या बिहार जाए कि शिमला जाए, वो कुछ भी कर ले, उनके कहते हैं ना कि उनकी पैकेजिंग ही अलग है, माल किसी और का, लेवलिंग कहीं और की, बेच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, तो उनमें पूरा झोल है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम ने कल कहा है, तो जिसका पैकेजिंग ही गड़बड़ है, जिसका नारायणी सेना में ही खोट है और जो अधर्म का साथ दे रहा है उसका नाश करने के लिए तो 38 दल तो कम है, पूरा देश भी साथ दे देगा तो भी इस पे कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और मैं बता दूं ऑनरेबल पीएम के साथ पूरा देश के 140 करोड़ जनता साथ में है, चाहे जोर से आवाज़ दे या चाहे चुपके से बोले। तो आप लोग सुन रहे थे दिव्यानी मित्रा को। बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक हुए कि नहीं, क्योंकि कल जो तस्वीरें निकल के सामने आई है जिसमें चिराग पासवान पशुपति पारस के पांव छू रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि शायद दोनों पार्टियाँ एक हो गई है। लेकिन दिव्यानी मित्रा ने बताया कि अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और रहा बात मोदी की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की, तो इन्होंने कहा कि वो कृष्ण हैं और बाकी सारी 38 पार्टियाँ जो उनके साथ जुड़ी है वो धर्म के साथ है और धर्म के साथ का रोल निभा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इधर नीतीश कुमार का वार, उधर से एनडीए का वार, किस पर कौन कितना भारी है, ये तो देखने वाला चीज होगा। धन्यवाद, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।